नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी कुछ ज्यादा ही तल्ख हो चुका है। ईडी में राहुल गांधी की पेशी के विरोध में हुए कांग्रेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिग्गज कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पुलिस हिरासत में लेकर सेंट्रल दिल्ली से दूर ले गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं से खास अपील की, आप भी सुनिए। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की छापे पड़ रहे हैं अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ, और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उनकी चिंता इनको नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सोनिया इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है, कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद, जय हिंद।